अंतरिक्ष में जाने का सपना हम सब ने कम से कम एक बार तो अपनी जिंदगी में जरूर देखा होता है, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया रहस्य से भरी हुई है और आज की जनरेशन ही नहीं पिछले बहुत टाइम से दुनिया इन रहस्यों को सुलझाने में लगी है। ज्यादातर देशों की स्पेस एजेंसियां अपने अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज रही हैं, अंतरिक्ष के रहस्य की ज्यादा से ज्यादा खोज कर रही हैं। एस्ट्रोनॉट अपनी रिसर्च को जिस जगह पर रहकर पूरा करते हैं उस जगह को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। इस स्पेस स्टेशन में हमेशा एक टीम मौजूद रहती है। अब जाहिर सी बात है कि जब लोग वहां रहते होंगे तो वो वहां से दुनिया को देखते भी होंगे, और जब अंतरिक्ष से दुनिया को देखने की बात आती है तो आपके दिल और दिमाग में ये सवाल भी आता होगा कि यार अपना भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। चलिए आज हम बताते हैं भारत कैसा दिखता है, ये बात तो हम करेंगे, पर उससे पहले उस जगह के बारे में बात करते हैं जहां से लोग भारत को अंतरिक्ष से देखते हैं, यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इस काम को 15 देशों ने मिलकर किया था। ISS को लॉन्च किया गया तो उस वक्त इसको अंतरिक्ष में रखने का टाइम 2011 तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 300 किलोमीटर से लेकर 435 किलोमीटर के बीच फिट किया गया और ये इसी दूरी के बीच चक्कर लगाता है। ISS की लंबाई 239 फीट और चौड़ाई 356 फुट और ऊंचाई 66 फुट है। ISS का वजन 419,725 किलोग्राम है। ISS की स्पीड 7.67 किलोमीटर पर सेकेंड है। ISS को एक चक्कर पूरा करने में 92 मिनट का टाइम लगता है, यानी ISS एक घंटे में 27,600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ISS एक दिन में पृथ्वी के 15.5 चक्कर पूरे कर लेता है। अगर आप ISS पर जाएंगे तो एक दिन में आप सूर्य को 16 बार निकलता और डूबता देख सकेंगे। ISS को पृथ्वी से कम ऊंचाई पर सेट किया गया है, इसलिए आप रात के टाइम में बिना किसी उपकरण के नंगी आंखों से भी ISS को देख सकते हैं। जब से ISS को लॉन्च किया गया है उस दिन से ISS कभी खाली नहीं रखा गया, हमेशा इसमें वैज्ञानिकों की एक टीम मौजूद रहती है। वैज्ञानिकों की टीम अपनी रिसर्च पूरी करके आती है तो दूसरी टीम अपनी रिसर्च को लेकर ISS के अंदर शिफ्ट हो जाती है। अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने की बात आती है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हमारा देश भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। तो चलिए इस बारे में ही बात करते हैं और अंतरिक्ष से ली गई भारत की तस्वीरें और रियल वीडियो फुटेज आपको दिखाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट का नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए। उस टाइम हमारे देश भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राकेश शर्मा के अंतरिक्ष से लौटने पर जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से मुलाकात की तो उन्होंने एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि ये हमारा देश भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। इस पर राकेश शर्मा ने इंदिरा गांधी को जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2012 में अंतरिक्ष से ली गई भारत की तस्वीर दी, जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं रात के टाइम में हमारा देश भारत अंतरिक्ष से कितना खूबसूरत दिखाई देता है। नासा ने 2016 में अंतरिक्ष से ली गई भारत की दूसरी तस्वीर हमें दिखाई। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बीते 5 सालों में भारत की संरचना में कितना बदलाव आया है। भारत देश की इन तस्वीरों को नाइट लाइट भी कहा गया है। इन तस्वीरों में भारत की चमक देखकर हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि इकबाल साहब ने सही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया से खूबसूरत है। अब हम आपको वीडियो फुटेज के जरिए ली गई तस्वीरों को दिखाते हैं जो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। सबसे पहले हम वीडियो फुटेज में भारत के दक्षिणी भाग को दिखाते हैं। भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य हैं जो भारत के दक्षिण में बसे हुए हैं। नीचे की तरफ श्रीलंका है जिसके चारों ओर हिंद महासागर का पानी फैला हुआ है। थोड़ा आगे चलकर भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत नजारा लग रहा है। साथ ही भारत के कई राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान वगैरह भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश आदि राज्य नजर आ रहे हैं। यहाँ गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाइटों से जगमगाता हुआ जो शहर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये गुजरात का शहर अहमदाबाद है। बादलों में चमचमाती हुई जो लाइट आपको नजर आ रही है ये बादलों से आती बिजली की चमक है। कैमरे का एंगल घुमाते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल, सुंदरबन और बांग्लादेश का कुछ एरिया नजर आता है। हमने कई सारे राज्य तो पहचान लिए, लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली कहाँ है? अब हम उसको भी तलाश कर लेते हैं। अब हम कैमरे को थोड़ा घुमाते हैं और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है वो कोई और शहर नहीं बल्कि आपके देश की यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। लाइटों की चकाचौंध को देखकर हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई और शहर नहीं बल्कि हमारी चमचमाती राजधानी दिल्ली है। अब हम आपको नासा के द्वारा ली गई 2015 में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। इसमें लाल रंग की लाइटों से भरी जो लाइन नजर आ रही है ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ सुरक्षा की वजह से 24 घंटे लाइट जलती रहती है। ये तस्वीर अंतरिक्ष से एक एस्ट्रोनॉट ने खींची थी। इस तस्वीर में पाकिस्तान का कराची शहर सबसे ज्यादा चमक रहा है।
भारत और पाकिस्तान की सीमा उन चुनिंदा देशों की सीमाओं में से एक है जहां पर कभी अंधेरा नहीं होता और रात भर उजाला रहता है और यहां रात में भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता रहता है। अब हम आपको ISS से दिए गए कुछ वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं। इन फुटेज में पृथ्वी पर रात होती हुई दिखाई दे रही है। देखो रात में भी हमारी पृथ्वी कैसे चमकती रहती है। हम अपने वीडियो में आपको पृथ्वी की लगभग सारी तस्वीरें दिखाएंगे। हमने अपनी वीडियो में आपको पृथ्वी की लगभग सारी तस्वीरें दिखाई और अपने देश भारत को भी पूरी तरह दिखाने की कोशिश की। हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है ये तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। इस पृथ्वी पर हमारा देश भारत कितना खूबसूरत दिखता है ये भी आप समझ ही गए होंगे। एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में और भारत को देखने वाले लोगों ने दुनिया में देखकर भी हमारे देश भारत की बहुत तारीफ की है। किसी वक्त में हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लुटेरे अंग्रेजों ने हमारे देश का सोना और खजाने तो लूट लिए लेकिन हमारे देश भारत की खूबसूरती आज भी बरकरार है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे देश में पुरानी परंपराओं का रिवाज है जो आज भी बना हुआ है। यहाँ पर बड़ों का आदर सम्मान होता है। यहाँ पर मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मतलब सभी देशों से आने वाले लोगों का यहाँ पर बहुत ही आदर के साथ उनको ठहराया जाता है। हमारे देश की विरासत जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह ऐसी इमारतें हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर देशों के लोग भारत आते हैं। भारत हमेशा से ही बहुत सारी शिक्षाओं का हब रहा है। यहाँ पर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय बिहार के पटना से 7 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया था जिसमें विदेशों तक से शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी आए थे। हमारे देश भारत की जितनी खूबियां बताई जाएं उतनी कम है। आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आप भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।